नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भारत का एक ऐसा महाराजा जो अपनी शानो शौकत और रंगीन मजाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस राजा की दोस्ती हिटलर से थी। इस राजा की 365 रानियां थी और हर रानी के साथ रात गुजारने के लिए ये अजीब शर्त रखता था। इस राजा के पास दुनिया की सबसे बौखाली गाड़ी रोल्स रॉयस थी, वो भी एक दो नहीं बल्कि 44 गाड़ियां। हम बात कर रहे हैं पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह की। भूपेंद्र सिंह ने पटियाला पर 1900 से 1938 तक शासन किया। वैसे तो भूपेंद्र सिंह काफी बौखाली राजा थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी रंगीन मजाजे की होती थी। वो अपनी 365 रानियों के साथ रात गुजारते थे। इस सब के लिए उन्होंने अलग अलग भव्य महल बनवा रखे थे। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि वो किस रानी के साथ अलग रात गुजारनी है, इस बात का फैसला अजीबोगरीब तरीके से करते थे। इसके लिए राजा ने महल में कई लालटेन जलाए थे, क्योंकि 365 रानियां ये लालटेन जलाती थी। हर लालटेन में अलग अलग रानियों के नाम होते थे। रात भर ये लालटेन जलती थी। सुबह जो लालटेन सबसे पहले बुझती थी, उस लालटेन में लिखे नाम को राजा पढ़ते थे और वो रात उस रानी के साथ बिताते थे। महाराज की गतिविधियों का जिक्र उनके दीवाना जर्मानी दास ने अपनी किताब महाराजा में किया है। इसमें बताया गया है कि भूपेंद्र सिंह ने पटियाला में लीला भवन या रंगरीलाय महल बनवाया था। यहाँ पर केवल निवस्त्र लोगों को ही एंट्री मिलती थी। लीला भवन पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर भैरदारी बाग के पास बना है। किताब में लिखा है कि राजा की सेक्स की भूख अतुलनीय थी। अपने जीवन की वो सेक्स के प्रति इतने अतुर थे कि उनके खेल के प्रति रुचि कम होती चली गई। वो गर्मियों में अपने स्विमिंग पूल में नग्न महिलाओं के साथ मदिर लेकर अयाशी करता था। फ्रेंच ब्यूटिशियन, भारतीय प्लास्टिक सर्जन, सोनार, परफ्यूमर और फैशन डिजाइनर से वो अपनी रखेलों को पसंद के हिसाब से सजवाता था। किताब महाराजा में राजा के बारे में लिखा गया है कि 1500 से 400 नगन पुरुष और नगन महिलाओं के साथ राजा अयाशी करता था। इसमें नगन औरतों के सीने पर मदीना उड़ेल दी जाती थी और राजा उस मदीरे का सेवन करता था। इसके बाद सामूहिक सेक्स होता था। राजा के पास टोटल 44 रोल्स रॉयस कार थी। इसमें से 20 कारों का काफिला रोजमर्रा के कामों में उपयोग होता था। ये सिर्फ राज्य के दौरे के लिए इस्तेमाल होती थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में एयरप्लेन खरीदने और अपने राज्य में रनवे बनवाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। बताया जाता है कि राजा भूपेंद्र सिंह की जर्मनी के तानाशाह हिटलर से दोस्ती थी। साल 1935 में बर्लिन ओलंपिक के दौरान भूपेंद्र सिंह की मुलाकात हिटलर से हुई थी। इसमें हिटलर राजा भूपेंद्र सिंह से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी मायबैक कार राजा को तोहफे में दे दी थी। महाराज के पास 2930 हीरो वाला एक नेकलेस था। इस नेकलेस में दुनिया का सातवां सबसे बड़ा हीरा जड़ा था। नेकलेस का वजन लगभग 1000 कैरेट था। इसकी कुल कीमत 166 करोड़ रुपए थी। नेकलेस को बनवाने वाली कंपनी कल्टियर का इस पर मलिकाना हक है। राजा की ठाट का एक और उदाहरण तब सामने आया जब उन्होंने साल 1929 में कीमती नग, हीरो और आभूषणों से भरा संदूक पेरिस के एक जोरी को भेजा था। 3 साल की कारीगरी के बाद ये हार तैयार हुआ था। तब इस हार ने खूब चर्चा बटोरी थी। $25 मिलियन कीमती वाला ये हार देश के सबसे महंगे आभूषणों में से एक है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो हमें बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।